Hello students, how are you? I hope all of you are well. You have already learned about paddy plant, paddy cultivation and method of cultivation etc. Now you have to learn about mango plant. Mango is indigenous to India. India mein jyada hota hai. In West Bengal mein jyada hota hai. और पता है मैंगो इज कल्टिवेटेड मोस्टली इन मालदा मुर्शिदाबाद एंड नोडिया. ये सब वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है मालदा मुर्शिदाबाद नोडिया. यहाँ पे मैंगो कल्टिवेशन ज़्यादा होता है. न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है. फ्लेवर्ड कार्नेल अर्थात इसका जो फ्लेसी पोर्शन है उसमें से एक फ्लेवर आता है. अच्छा फाइबर, इसके अंदर फाइबर है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है. कौन सा मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, वाटर भी है, फाइटोकेमिकल्स है, बीटा कैरोटीन, जिसके वजह से इसका जो राइप मैंगो है उसका जो कलर है ऑरेंज कलर का, इसका वजह क्या है, इसमें फाइटोकेमिकल्स है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट. ये सब है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मैंगो. मैंगो में ये सब होता है. तो हम सबको मैंगो खाने से ये सब मिलता है. सॉइल, कौन सा टाइप का सॉइल चाहिए. एलुवियल सॉइल ऑफ रिवर बेसिन अर्थात नदी के पास जो सॉयल है जिसमें कीचड़ भी है. एंड फर्टाइल लोमी सॉयल माने जो सॉयल में सैंड स्टोन पत्थर ये सब कम है, जिसमें कीचड़ है थोड़ा और वाटर भी है. सैंडी एंड क्ले सॉयल इज नॉट सुइटेबल. जो सॉयल में ज्यादा सैंड है ज्यादा क्ले है वो सुइटेबल नहीं है. प्रिपरेशन, ग्रैफ्टिंग मेथड क्या है. इट इज डन बाय जॉइनिंग ए ब्रांच ऑफ हाई क्वालिटी मैंगो ट्री. जो मैंगो ट्री हाई क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी मैंगो ट्री, जिसे बोलता है सियोन. विथ ए ब्रांच ऑफ हाई क्वालिटी मैंगो ट्री विथ ए सीडलिंग, ताले हाई क्वालिटी मैंगो ट्री का एक ब्रांच के साथ एक सीडलिंग मतलब जो न्यू फॉर्म प्लांट है, सीडलिंग जिसे कहता है स्टॉक, उसको ज्वाइन करके जुड़ के ये ग्रैफ्टिंग किया जाता है. खाले प्रोड्यूस फ्रॉम मैंगो सीड से जो सीडलिंग होता है उसे कहता है स्टॉक. उसके साथ एक हाई क्वालिटी का मैंगो ट्री जिसे कहता है सियोन, ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद होता है. जैसे यहाँ पे देखो सियोन हाई क्वालिटी मैंगो ट्री और ये सीडलिंग स्टॉक, ये दोनों को अच्छी तरह यहाँ पे ज्वाइन किया है. ज्वाइन करने के बाद यहाँ से छोटा छोटा मैंगो प्लांट निकलेगा. उसको सॉइल में लगाने के बाद क्या हो जाएगा, न्यू क्वालिटी न्यू मैंगो ट्री होगा और जिसका क्वालिटी अच्छा होगा. मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसका कल्टीवेशन का मेथड क्या है. प्रिपरेशन ऑफ लैंड, पहले लैंड को प्रिपरेशन करना चाहिए, अच्छी तरह प्लाउइंग करना चाहिए लैंड को. जो वीड है उसको निकालना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए जो वीड है उसको, और जो कीड़ा मकोड़ा है ये सबको रिमूव करने के बाद अच्छी तरह लैंड को प्रिपेयर करना चाहिए. तो एट फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ लैंड, देन प्लांटिंग ऑफ सीडलिंग, छोटा छोटा मैंगो सीड से जो सीडलिंग निकलता है उसको प्लांटिंग करना चाहिए, लगाना चाहिए लैंड के ऊपर. एडिंग फर्टिलाइजर, उसके ऊपर फर्टिलाइजर ऐड करना चाहिए. फर्टिलाइजर मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दो टाइप फर्टिलाइजर है. उसको
जो सुइटेबल है उसको ऐड करना चाहिए। इरिगेशन, उसके बाद इरिगेशन करना, इरिगेशन मतलब क्या है, जो लैंड में पानी देने का वाटर सप्लाई का जो प्रोसेस है उसको कहता है इरिगेशन। अदर अदर नर्चरिंग्स विथ इरिगेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। इरिगेशन के बाद क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना चाहिए। प्लाउड द फील्ड रेगुलरली, हाँ फील्ड को रेगुलर प्लाउइंग करना चाहिए। प्लाउइंग मतलब मिट्टी को अच्छी तरह खोदना चाहिए, लूज करना चाहिए। लीव्स वीड्स मिक्स विथ सॉयल, तो इसके साथ क्या होगा, सॉयल में जो कुछ भी है लीव वीड्स ये सब सॉयल के साथ मिक्सड हो जाएगा और फॉर्म ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाएगा। फ्रूट कल्टीवेशन बिफोर फुल्ली मैच्योर, फ्रूट कलेक्शन बिफोर फुल्ली मैच्योर, फुल मैच्योर होने के पहले ही फ्रूट को कलेक्शन करना चाहिए। प्रोडक्शन, फ्रूट को प्रोडक्शन करना चाहिए। फ्रूट प्रिजर्वेशन, फिर कलेक्शन होने के बाद उसको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। कहाँ पे, कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि बाहर में इतना गर्मी है कि वो फ्रूट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रूट को कहाँ पे प्रिजर्व करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में। अंडरस्टैंड अबाउट मैंगो प्लांट, नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट टी। नाउ learn and revise question answer from your thank you for watching.